हाय गाइस, वेलकम टू ट्विस्टेड लाइफ। मैं आपकी रेशो, आप कैसे हो? वेलकम बैक ऑन हैप्पी न्यू ईयर। यार मैं ऐसे यूट्यूब में सर्च मार रही थी, तब मुझे एक लाइव दिखा, एक लड़की का लाइव। नाम तो आप जानते होंगे, प्रीतो। उसका लाइफ, बेचारी बहुत परेशान थी, लाइव में रो भी रही थी और इतना डिप्रेस थी कि उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल रही थी। वो सेपरेट होने वाली है अपने हस्बैंड से, अक्कू से। हाँ, सेपरेट होने वाली है। उसने बोल दिया, फाइनली अनाउंस कर दिया, उसने अनाउंसमेंट दे दी है कि वो सेपरेट होने वाली है। तो आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके देखिए। मीन्स बेचारी रो रही थी लिटरली। तो इससे ये पता चलता है कि वो बहुत परेशान है अपनी लाइफ से, एंड सीरियसली जिस तरह से वो रो रही थी, उसकी साइकोलॉजी देखे मुझको तो लगा कि वो बहुत परेशान है। तो जैसे हम लोग बहुत से जने देखते हैं जो कि प्रीतों को, उसकी फैमिली को ट्रोल करते रहते हैं। प्लीज़ यार, हमेशा लड़कियों की गलती नहीं होती है, मैं नहीं मानती। हाँ, कभी कभी ओवर स्मार्ट भी समझते हैं अपने आप को, बट हमेशा लड़कियों की गलती नहीं होती है। इस जगह मुझे अक्कू की गलती दिखी, एंड इट्स क्लियर यार उसकी गलती है। जहाँ वो हमेशा मीन्स लाइक फैमिली ओरिएंटेड रहता है कि आपकी वाइफ आपकी फैमिली नहीं है, उसको डिमीन करते हैं यूट्यूब में, आप उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेते, कभी आपने बोला नहीं है, बट आपकी बाकी फैमिली, आपके मम्मा या बहन के बारे में आप बोला किसी ने, तो आपकी जल गई, उसके लिए आप बोलने लग गए। हाँ, 6 महीने बाद आई है एंड ऑल दैट। बहन कभी भी आ सकती है, कितने भी दिन रह सकती है, बट आपकी वाइफ के बारे में जब बोलते हैं लोग बात, तब आप कुछ नहीं बोलते और उन कमेंट्स को आप यहीं वहीं रखते हो, या तो डिलीट कर दो। सिंपल एंड लॉजिक, आपकी वाइफ देखे ना डी, या तो आप ऐसा शो ही मत करो। और मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कि आप बोल रहे थे उसको कि ऐसे कपड़े मत पहनो। क्यों भाई, उसने ऐसा क्या एक्सपोजिंग पहना था? कुछ भी नहीं पहना था उसने, ट्रैक पैंट और टॉप पहनने में इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है, सब लड़कियाँ पहनती है। क्या हो गया, या तो वो इतनी मोटी हो या बहुत गंदा लग रहा हो उस पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेचारी इतनी पतली हो गई, इतनी पतली हो गई, पूछो मत। उसके पूरे चेहरे पे, आंखों के नीचे पूरे घेरे इतने डार्क हो गए, पूछो मत। क्यों? आपकी वजह से, क्योंकि आप उसको हमेशा, आप उसको टॉर्चर ही कर रहे हो यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है। वो एक टॉर्चरिंग रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक हो गया है वो रिलेशनशिप, आई थिंक सो, जहाँ से हम लोग देख रहे हैं। प्लीज़ इम्प्रूव करो आपको यार, ऐसे कैसे कर रहे हो आप उसको, इतना डिप्रेशन में डाल रखा है आपने उसको, जब से उसका बेबी हुआ है। आप उसके व्लॉग्स देखें, हमेशा मीन्स डिप्रेस्ड ही रहती है वो, ट्राई करती है कि वो खुश हो, दिखाए सबको कि मैं खुश हूँ, बट नहीं है, लग जाता है चेहरे से। और एक दिन जब आपकी मम्मा बीमार थी, तो आप उसको बोले थे, मम्मा आप बीमार हो, मम्मी बीमार है, मम्मी टेंशन में है, और पीछे आप चाप भी लेके आए थे, बेचारी चाप खा रही थी, आपने वो वीडियो एज इट इज़ डाल दिया, और उसने भी, ट्रोलर्स ने उसको खूब पेला, ट्रोलर्स को तो पॉप मिल गया ना। और बेचारी, आपको पता है कि वो कमेंट्स रीड करती है और ऐसी चीज़ों से वो इफ़ेक्ट होती है, तब भी आपने उसको वीडियो में डाला। उसके बाद वो जो कपड़े पहनती है, उसको भी आपने वीडियो में डाला। उसके बाद वो सिंदूर वाला थिंक, लाइक प्रीति सिंदूर लगाओ, वो भी आपने वीडियो में डाला। आप उसको इतना नेगेटिव क्यों दिखाना चाहते हो यार? कल को आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आपकी वाइफ ही होती है जो आपके साथ रहेगी, साथ देगी। आपके दोस्त यार कोई साथ नहीं देने वाला, फैमिली, वो आपकी फैमिली है मिस्टर, समझो इस चीज़ को। किसी और घर से आई है पर आपकी सब कुछ है वो, समझो इस चीज़ को। प्लीज़ डोंट इग्नोर हर, और आपके बच्चे के लिए तो एटलीस्ट डोंट इग्नोर हर। हमने देखा जब वो जब बेबी बॉर्न हुआ, उसके बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई आपकी फैमिलीज में, आप उसको जाके, उसके घर जाके क्लियर कर सकते थे, थोड़ा झुक सकते थे, बट नहीं झुके आप, है ना। बेचारे बच्चे को तो नहीं देखा आपने, ना उससे मिलने गए हैं, ऐसा कैसे, जब उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आफ्टर डिलीवरी एक वाइफ को अपने हस्बैंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मेंटली, आपने उसको नहीं दी, आपने उसको खूब सारा ट्रोलिंग दिया उसकी जगह।
उसको सब भूल के फिर से आपके पास एक न्यू बिगिनिंग के लिए आई, उसके बाद भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। बेचारी आज अपने घर पे है और उसके बाद भी आप उसको वीडियो बना के इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि मेरी मम्मी का ध्यान नहीं रखती। सो सैड ऑफ यू, सीरियसली सो सैड ऑफ यू। हमने देखा है उसकी व्लॉग्स में, वो अपने घर में सबका ध्यान रखती है। उसकी भी तो मम्मी है ना एक यार, वो उसका ध्यान रखती है, अपने भाई का ध्यान रखती है, अपनी बड़ी बहन का ध्यान रखती है। हमने क्लियरली देखा है, आपसे पहले हम उसको जानते हैं और वो रखती है। उसका घर का काम, झाड़ू पोंछा, वॉशिंग, सब। उसका घर कितना बड़ा है, आपके घर से तो काफ़ी बड़ा है गैस, वो सब करती है। फिर भी आप इनडायरेक्टली उसको ताना मार रहे हो। सीरियसली नॉट टूट, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। बस आपको कुछ बोलना है उसको, पर्सनली बोलिए। सोशल मीडिया पे क्यों लेके आ रहे हो यार, क्यों लेके आ रहे हो कि उसको इतना मजबूर कर रहे हो कि वो डायरेक्टली बोल दे आपको सोशल मीडिया पे। मीन्स आपकी बात भी नहीं हो रही है तभी वो सोशल मीडिया में आके बोल रही है सब कि हम सेपरेट होने वाले हैं, दीपू की उसके भाई की शादी तक वहाँ पे रहेंगे, उसके बाद उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है यार, वो तो सोचो। मीन सच में लिटरली नॉट गुड। उसकी बहन के लिए बोलते हो आप कीचड़ कीचड़ एंड ऑल दैट, हम सब ने देखा। उन लोगों की वजह से आप इस प्लेटफॉर्म में हो, जितने भी हैं आपके, उनके वजह से ही आपको जानते हैं ना। भले आपने गेन अपनी तरफ से करे बट उसकी वजह से ही जानते हैं यार। उसको इतना क्यों वो करते हो, उसकी बहन को इतना डिमीन करते हो, क्या बिगाड़ा है बेचारी ने किसी का? बच्चा चला गया उसका, जिसको जिसका जाता है ना उसी को पता होता है कितना लगता है, कितना हर्ट होता है जो चीज़ इतने शिद्दत से आप चाहते हो और वो चली जाती है झट से। तब भी आपने एक वीडियो, उन्होंने भी बनाई थी उनकी बहन ने, कि हम आपका बच्चा नहीं लेना चाहते हैं, ये वो। उनको क्यों बोलना पड़ा ये सब? क्योंकि ज़रूर आपने बोला होगा, या आपके माइंड में ये सब है, या आप उसको प्यार ही नहीं करते हो आपकी वाइफ को, यही लग रहा है यार, प्यार ही नहीं करते हो, तभी आपको उसकी कोई मतलब ही नहीं है आपको उससे। क्यों खुद का घर खराब कर रहे हो यार? इतनी अच्छी वाइफ कहीं नहीं मिलेगी आपको। सबको एडजस्ट करना पड़ता है अपनी लाइफ में, सब परफेक्ट नहीं होते लाइफ में। एडजस्ट करो, सीखो एडजस्ट करना। जब वो लड़की आपके घर में एडजस्ट कर रही है तो आप लोग क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे हो? प्लीज़ कोप अप विद द सिचुएशन यार। शादी मजाक नहीं होती है, एक साल रह लिए अब हम सेपरेट होने वाले हैं, या गुस्से गुस्से में आप सोशल मीडिया में बोल रहे हो। प्लीज़ आप बड़े हो, एज में भी बड़े होंगे, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। बहुत गलत मैसेज दे रहे हो आप समाज में। जो आज प्रीतो ने किया, मैं उसको सपोर्ट करूँगी यार, बहुत हो गया था। बेचारी कब से सह रही है, पोस्ट उसकी डिलीवरी से वो सह रही है सब, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव ये, नेगेटिव वो, सिर्फ जीजा अच्छा है, जीजा एक। मैं इसकी नहीं बोल रही कि यही अच्छी है, यही सही है, इसकी भी गलतियाँ होंगी, बट इस जगह आपकी गलती है। और जो उसने बोला नेपोटिपसम, आप इतने भी बड़े यूट्यूबर नहीं हो गए यार जो नेपोटिज्म या एक्टर्स नहीं हो आप लोग कि